गया, क्यों शॉक दो? सर ये कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सुमित, ये वही वैगनार है जो हम रोज देखते हैं, लेकिन आज इस वैगनार का देखने का नजरिया हमने बदला है, क्योंकि वैगनार पूरे देश में सबसे ज़्यादा जब बिकती है और सबसे ज़्यादा ये लोगों के दिल को बहाती है, क्योंकि सबसे वैल्यू फॉर सेगमेंट ये कार है, बट लोग हमेशा इसे एक नज़र से देखते हैं कि काफ़ी इकोनॉमिकल सेगमेंट है, तो इस वैगनार को हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स लुक में कन्वर्ट किया। आज मैं प्रमोद मेहता आप सभी के सामने प्रेजेंट करता हूँ हमारे चैनल साई ऑटो एक्सेसरीज पे वैगनार GT लाइन को, और हाँ जी दोस्तों, आज आप लोगों का वैगनार को देखने का नज़रिया बदलेगा, क्योंकि ये जो वैगनार आज जो मॉडिफाई हुई है साई ऑटो में, ये अपने आप में ही एक बेंचमार्क क्रिएट करेगी। शुरुआत करना चाहूँगा मैं इंटीरियर से, क्योंकि जो इतने साल से हम लोग वैगनार देखते आ रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर जितने भी इंटीरियर के सेक्शन पार्ट्स होते थे, इसका मेजर रोल प्ले ब्लैक कलर करता था, और ये काला कलर का इंटीरियर होने के कारण इसके अंदर कोई भी आउटस्टैंडिंग आप लोगों को नहीं फील होती थी कि ये मेरी वैगनार कुछ अलग दिख रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये वही वैगनार है जिसको हम लोगों ने एक अलग स्टाइल दिया है, एक अलग डिज़ाइन दिया है, एक अलग पहचान दी है, और ये पहचान आप लोग देख ही सकते हो। आज हर वो वैगनार वाला प्राउड करेगा जब वो इस वैगनार का वीडियो देखेगा और बोलेगा कि मेरी वैगनार भी कोई स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। खाली द इंटीरियर ऑफ द कार आप लोग देखिए, एक सीट कवर्स देखिए जो हमारा फेवरेट कलर है, पर्शियन ग्रीन एंड वाइट ड्यूल टोन के कॉम्बिनेशन से हम लोग ने किस तरीके से ये पूरी गाड़ी को कन्वर्ट किया हुआ है, चाहे वो हमारी गाड़ी का डैशबोर्ड क्यों ना हो, चाहे वो हमारी गाड़ी के डोर्स क्यों ना हो, चाहे वो हमारी स्टाइलिंग किट के पैनल्स क्यों ना हो, और एम्बियंस लाइट का भी आप लोग एक लुक देख सकते हैं कि डे टाइम में भी एक एम्बियंस लाइट की क्या रोशनी है, क्या इंटेंसिटी है, एंड कलर कॉम्बिनेशंस उसके अंदर कितने तरीके के दिए हुए हैं। वैगनार LXi वेरिएंट ही ये थी, इसे हम लोगों ने वैगनार ZXi मॉडल के स्टेयरिंग में कन्वर्ट किया है, बट इसके अंदर जो हम लोगों ने डार्क कार्बन स्पोर्ट स्टेयरिंग इंस्टॉल किया है, खाली उसका एक लुक देखिए, जब आपकी जो होल्डिंग रिंग है उसके ऊपर का टेक्सचर जब चेंज हो जाता है एक नॉर्मल लेदराइट से, एक ये जो कोल्ड इफेक्ट आपको आना शुरू हो जाता है, खाली आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये प्रेजेंस आप लोगों को देता है, क्योंकि जब आपकी स्टेयरिंग आपके हाथ में है और आप इस गाड़ी का कमांड ले रहे हैं, तो आप ही खुद फील कर सकते हैं कि स्टेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गाड़ी के अंदर। म्यूजिक सिस्टम स्क्रीन इस वेरिएंट में नहीं लग के आती थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने जो नेट प्ले का 2GB रैम 32GB वेरिएंट वाला जो प्लेयर है जापानीज एडिशन वाला, वो हमने इंस्टॉल किया है। खाली आप इस डिस्प्ले की क्लैरिटी देखिए, जो QLED डिस्प्ले है, 2GB रैम है, 32GB मेमोरी के साथ है, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी वायरलेस फंक्शंस के साथ मिल जाता है। इसके अंदर आपको प्री डाउनलोडेड सॉन्ग्स भी है, और म्यूज़िक की सेटिंग के लिए इक्वलाइजर का फंक्शन भी आपको काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। जब एक गाड़ी दिल से बनती है और एक फ्री हैंड यूज़ के हिसाब से बनती है, तो उस गाड़ी को हम लोग भी बहुत दिल से एक अलग लुक देने की कोशिश करते हैं। खाली आप एक एक फिनिशिंग आज आप देखिए कि कितनी खूबसूरत हमने इस गाड़ी में की है, चाहे वो हमारा डोर पैनल क्यों ना हो, चाहे वो हमारे ट्यूटर्स की प्लेसमेंट क्यों ना हो, क्योंकि ट्यूटर्स भी आप देख सकते हैं कि कितने डायनामिक पोजिशंस में हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं। खाली आप लुक देखिए, और हमारा रियर डोर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि पूरी गाड़ी में जो ब्लैक कलर के चार डोर्स आते थे, जब हमने उसे हमारे पर्शियन ग्रीन और वाइट के ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ जब कन्वर्ट किया है, तो उसका आप एक लुक देखिए। अब इसे बोलते हैं गेस द मॉडल एंड गेस द कार, क्योंकि सिर्फ गाड़ी में LXi टू ZXi फीचर्स लगाने से आपकी गाड़ी एक प्रीमियम लुक में नहीं आ जाती है, बट आपकी गाड़ी के एक बेसिक इंटीरियर को जब आप एक टॉप नॉच इंटीरियर के साथ कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि गेस द मॉडल एंड गेस द कार। खाली आज आप लुक देखिए, एक्सटीरियर प्रोफाइल हमारी गाड़ी का ड्यूल टोन में है, जो वाइट एंड ब्लैक है, जो हाफ बॉडी हमारी गाड़ी की है उसे हमने ब्लैक में कन्वर्ट किया हुआ है विद द सिल्वर साइड रूफ रेल्स। खाली आप लोग एक लुक देखिए, जो एरोडायनामिक रूफ रेल्स जब हमारी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल होते हैं, तो उसका लुक कैसा है। डोर वाइजर्स हमने लगाए हैं द ब्लैक विद क्रोम फिनिश में, विंडो पे क्रोमिंग का वर्क है कम्प्लीटली, डोर्स पे साइड वैगनार नाम की बैजिंग वाली मोल्डिंग्स है, एंड द 14 इंचेस अलॉयज हैव बीन कन्वर्टेड
जब हमारी गाड़ी आई थी हमारे पास तो 13 इंच के रिम्स के साथ आई थी, उसे हमने 14 इंच के अलॉयज और टायर अपग्रेडेशन भी हम लोगों ने दी है। गाड़ी के एस्थेटिकल चेंजेस तो हम लोगों ने देखे ही कि गाड़ी कितनी खूबसूरत बन गई है, और गाड़ी की मैं अगर रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो वो आपकी आएगी आपके हेडलाइट से। खाली आप गाड़ी की हेडलाइट देखिए, जब हमने प्रोजेक्टर इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं, तो दिस इज़ नाउ द 4 प्रोजेक्टर सेटअप। 2 प्रोजेक्टर हमने हेडलाइट्स में लगाए हैं, 2 प्रोजेक्टर्स हमने फॉग लैम्प्स में लगाए हैं, और जो हेडलाइट में प्रोजेक्टर है ये कम्प्लीटली हमने कस्टमाइज़ किया है। डी सीरीज के हेडलैम्प में प्रोजेक्टर हमने इंस्टॉल किए हैं। हेडलाइट में एक DRL का वर्क आप लोग देख सकते हैं, एक रिंग देख सकते हैं, कितनी फिनिशिंग का और कितनी क्वालिटी वर्क हम लोगों ने किया है। खाली आप लोगों के सामने एक पूरा लुक है गाड़ी का, जितना भी तारीफ़ की जाए इस गाड़ी की वो कम है, चाहे वो उसका इंटीरियर हो, चाहे वो इसका एक्सटीरियर हो, चाहे वो उसका म्यूज़िक सिस्टम हो। हेडलाइट के अंदर जो हम लोगों ने रिंग्स भी इंस्टॉल की है इसके प्रोजेक्टर के ऊपर, ये भी कम्प्लीटली RGB ऐप बेस्ड है। हम जो भी इसके कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहे हम इसमें कर सकते हैं, कि हमें पर्शियन ग्रीन का टच देना है तो हम पर्शियन ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, प्लस हम ब्राइटनेस को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एज़ पर आर रिक्वायरमेंट्स। फ्रंट ग्रिल मैट ब्लैक कॉम्बिनेशन में आती थी, उसे भी हमने पियानो ब्लैक विद द पर्शियन ग्रीन के टच के साथ हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। लुक आप लोगों के सामने है। फ्रंट प्रोफाइल में एक फ्रंट डिफ्यूज़र हम लोगों ने एक ब्रॉड लुक देने के लिए एक कन्वर्ट किया है, ये आप लोगों के सामने ही है कि कितना बेहतरीन ये प्रोफाइल और ये लुक लग रहा है। हेडलाइट का थ्रो भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ा सा इवनिंग का वक्त हो जाए तो आप लोगों को रोड फोकस समझ में आ जाए। प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स भी जो हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं, इसमें 3 डिफरेंट मोड्स है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है सबसे डार्क येलो मोड, जो 3000 केल्विन कलर टेम्परेचर के साथ है, और जैसे ही मैं इस करके ऑन करता हूँ तो इसमें वार्म येलो शेड 4300 केल्विन का रोड फोकस प्रेजेंट शुरू हो जाता है। सामने वाली वॉल पे आप लोग इसका फोकस देख सकते हैं, एंड जैसे ही मैं ये ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली वाइट लाइट के सेटअप में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये लुक और ये थ्रो आप लोगों के सामने है जब हम हमारी गाड़ी को बाहर से देखते हैं। लाइट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आपकी गाड़ी ड्राइव करेगी अगर उसमें रोशनी ही अच्छी नहीं है तो बाकी के सब खर्चा किया हुआ वैल्यू उसकी ज़ीरो है। सन कंट्रोल फिल्म हमने इस गाड़ी के ऊपर इंस्टॉल की हुई है, ये भी आप लोग एक देख सकते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस वाली फ़िल्म आती है HP शेड की, कितनी प्यारा उसका लुक है वाइट गाड़ी के ऊपर, आपके ही कंप्लीट शेड के साथ ये ब्लेंड हो जाती है। इसका भी एक लुक एक फिनिश आप लोग देखिए। बट फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को इसके इंटीरियर पे लेके जाना चाहता हूँ। खाली आप लोग देखिए कि जो इसके AC ग्रिल्स के पैनल थे, जो AC ग्रिल्स के भी पैनल थे ये रॉ ब्लैक कलर के थे, जिनको हम लोगों ने सैटिन ग्रीन का लुक दिया हुआ है, ये भी आपके सामने है एक एक फिनिशिंग। जो गियर कंसोल था हमारा ये भी ब्लैक कलर में था, इसे भी हमने कम्प्लीटली ड्यूअल टोन में कंबाइन किया है, जो वाइट एंड सैटिन ग्रीन का एक लुक दे रहा है। खाली आप लोग एक लुक देख सकते हैं कि कितना प्यारा ये प्रेजेंस बना रहा है। एक इंटीरियर को पेंट करने से आपकी गाड़ी की एक पहचान ही बदल गई है। जो इतने सालों से, पिछले 4 साल से जो वैगन आर आ रही थी उसके अंदर जो नॉर्मल ब्लैक कलर का इंटीरियर था, कम्प्लीटली हम लोगों ने उसे चेंज किया है। कभी भी कोई अच्छी चीज़ बनाने में एक वक्त ज़रूर लगता है, और वो वक्त कस्टमर ने हमें दिया और एक विश्वास हम पे रखा, तो उसका एक आउटपुट आप लोग देख सकते हैं कि पूरी टीम साई ऑटो ने किस तरीके से मेहनत की है और क्या इसका नतीजा है। रियर डोर्स में पावर विंडोज़ भी हम लोगों ने इंस्टॉल की है, उसका भी आप लोग एक लुक और एक प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने किया है। इंटीरियर पेंट के टाइम पे जो हमारे वाइंडर्स निकले थे उन होल को भी हम लोगों ने पैक करके जो एज़ इट इज़ ये कंप्लीट डोर को VXI का एक लुक और एक प्रोफाइल दिया हुआ है। ऑटो फोल्डिंग मिरर्स भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं, जिनका ऑपरेशन बटन पे तो है ही, बट उसके साथ साथ उसका जो ऑपरेशन है ये हमारे रिमोट कीज़ पे भी है। एज सुन एज वी लॉक द कार,
हमारे मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि ORVM आज की तारीख में सबसे बड़ी नेसेसिटी बन जाती है, और जैसे ही हम इसे अनलॉक करते हैं तो हमारे मिरर्स भी अनफोल्ड हो जाते हैं। रेंजर साइड वेंट्स भी हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब हम डोर ओपन करते हैं तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है हमारे ये डोर्स के ऊपर गिरती है, और एक काफ़ी प्रीमियम ये क्रोमियम लुक देती है, आप लोगों के सामने है। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस गाड़ी के अंदर और क्या चीज़ें हो सकती थी ताकि हम इसे और खूबसूरत बना सके। काफ़ी दिलो और जान से इसे 3 डेज़ के टाइम पीरियड में हमने कन्वर्ट किया है। ये थी हमारी आज की वैगनार स्पोर्ट्स, जिसका हम लोगों ने एक कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर एंड ऑडियो मेकओवर देखा। स्पीकर्स भी हमने जो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं वो ऑडिसन ब्रांड के हैं, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी में अगर एक प्रीमियम लेवल की बात होती है तो उसका ऑडियो प्रीमियम करना ज़रूरी है, और प्रीमियम ऑडियो से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ ऑडिसन, क्योंकि जो आउटपुट लेवल आपको ऑडिसन देगा वो कोई और स्पीकर या कोई और वो ब्रांड उसे इतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। प्लेयर में भी जो म्यूज़िक आउटपुट और म्यूज़िक की सेटिंग दी हुई है ये कोई नॉर्मल इक्वलाइजर के जैसी नहीं है, इसमें एक लाउड फंक्शन भी दिया हुआ है कि जो साउंड आप अगर जो भी वॉल्यूम पे सुन रहे हो वो उसको एम्पलीफाई कर सके। आप इसमें 48 बैंड्स ऑफ इक्वलाइजर सेटिंग देख सकते हैं। फील्ड सेटिंग आपको इसके अंदर दी हुई है, सराउंड साउंड, ताकि आप हर एक स्पीकर और हर एक सेक्शन को आप अपने हिसाब से ट्यून अप कर सके, जिसमें आपको स्टीरियो साउंड अनाउंसमेंट भी दी हुई है, बेस अनाउंसमेंट, आपको बेस को कितना बढ़ाना है कम करना है ये सेटिंग्स भी आपको कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं देता है, और एक साउंड फिल्टर ताकि हमें क्रिस्टल क्लियर साउंड मिले। तो म्यूज़िक जो हम कितना भी अच्छे स्पीकर्स लगाए बट उन अच्छे स्पीकर्स को पावर करने के लिए एक अच्छा प्लेयर होना काफ़ी ज़रूरी है। एक बार फिर से आप लोग लुक देखिए इस गाड़ी का कि कितनी खूबसूरत ये चीज़ लग रही है, एंड डोर खोलते ही जो वैगनार नाम लिखी हुई प्लेट है वो भी हमने इस गाड़ी के अंदर इल्यूमिनेट होने वाली इंस्टॉल की है, एक लुक आप देख भी सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप ड्राइविंग, हैप्पी ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग। बस ये ट्रस्ट आप लोग रखिए कि जब भी अगर आप अपनी गाड़ी को एक प्रीमियम मॉडिफिकेशन लेना चाहते हैं या कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा साई ऑटो को कॉन्टैक्ट करना। थैंक यू फ्रेंड्स। प्राउड ओनर ऑफ इंडियाज बेस्ट मॉडिफाइड वैगनर पिंटू जी भी हमारे साथ है, जो गाड़ी को 3 दिन पहले साई ऑटो में छोड़ने के लिए आए थे एक ट्रस्ट के साथ कि सर आप गाड़ी को अपने हिसाब से कन्वर्ट करिए। और हम थैंक यू करना चाहते हैं पिंटू जी, जो आपने एक ट्रस्ट रखा और एक एग्जांपल एक पूरे इंडिया के सामने सेट किया कि अपने पैशन पूरा करने के लिए आपको बड़ी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक वैगनार के अंदर ही एक स्पोर्ट्स लग्जरियस फील को एक्सपीरियंस किया। किस तरीके से सर गाड़ी लग रही है जो आज आप आए, आपने गाड़ी देखी, एक एक्सपीरियंस कैसा हो गया ओवरऑल? मराठी में? हाँ मराठी में बोलिए। एकदम व्यवस्थित, पहले सारखी म्हणजे जशी व्हिडिओ पाहिले तसे पद्धतीने गाडी बनवली। जिस तरीके से सोच के गए थे एक गाड़ी आपने छोड़ी वो मतलब एक अच्छी हो गई ना। इनके सारे फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, कैसी लग रही है सर गाड़ी ओवरऑल? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बन गई ना। तो आज हमारे वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी है, बाकी सब लोग भी आए हुए हैं। हर इंसान अपनी गाड़ी छोड़ के पहले आ रहा है इस वैगनार को देखने, क्योंकि जो इसका इंटीरियर है ये अपने आप में ही एक उसकी पहचान बन चुकी है। एंड थैंक यू जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे उसके रील पे इतना प्यार दिया। इसी तरीके से इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन सा पार्ट सबसे फेवरेट लग रहा था गाड़ी। थैंक यू फ्रेंड्स।